अच्छा जी, एजेंडा फॉर द सेशन रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। मैंने आपके सामने हैंडआउट से एक एक्सट्रैक्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है रेलेवेंट कॉस्ट इज द एडिशनल कैश एक्सपेंडिचर दैट विल अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीशन। तो पहली तो एक बिल्कुल जेनेरिक जनरल सी रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। रेलेवेंट कॉस्ट का प्रिंसिपल या उसूल भी यही होता है कि ये कोई इंक्रीमेंटल एडिशनल कैश का आउटफ्लो होता है जो आप पे कर रहे होते हो किसी एक पर्टिकुलर डिसीशन के अगेंस्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेट से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से एक प्लम्बर की, एक इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास लेबर है ना। लेट से एक प्लम्बर ने आप जो है यूं एज्यूम कर ले कि एक शॉप वाला है, एक शॉपकीपर है और उसके पास जो है वो मुख्तलिफ प्लम्बर्स बैठे हुए होते हैं और वो उनको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो काम पर भेजता है। एक कस्टमर आया, वो कस्टमर जो है वो इस शॉपकीपर को 1,000 रुपये पे कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक काम के। शॉपकीपर को कस्टमर 1,000 रुपये पे कर रहा है, तो ये शॉपकीपर के लिए एक तरह से सेल्स रेवेन्यू है या सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इस शॉपकीपर ने जो प्लम्बर हायर किया हुआ है वो उसके लिए कौन है? इस शॉपकीपर ने जो प्लम्बर हायर किया हुआ है वो उसके लिए लेबर की कॉस्ट है। लेट से इस शॉपकीपर को मालूम है कि कस्टमर से मुझे 1,000 रुपये आएंगे और मुझे उसमें से 600 रुपये प्लम्बर को देने होंगे, यानी कि जिस बंदे को मैं स्पेसिफिक काम करने के लिए भेजूंगा उसको देने होंगे, और 400 रुपये मुझे बच जाएंगे, ये मेरा इस जॉब पर, इस काम पर प्रॉफिट होगा। तो ये जो अमाउंट है ये क्या है? एडिशनल कैश एक्सपेंडिचर। ये इस शॉपकीपर के लिए एडिशनल कैश एक्सपेंडिचर है दैट विल अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीशन, जो कि अराइज हो रहा है, एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है किसी एक डिसीशन का, और वो डिसीशन ये था कि इस कस्टमर के लिए काम करवाया जाए या इस कस्टमर के लिए काम करा जाए। तो पहले बुलेट में तो बिल्कुल जनरल सी डेफिनेशन लिखी हुई थी। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगी। अच्छा, सेकेंड है, इफ द लेबर फोर्स विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीशन मेड, देयर इज नो रेलेवेंट कॉस्ट। इफ द लेबर फोर्स विल बी पेड, अगर मैं लेबर फोर्स को पे करूंगा ही करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीशन मेड, देर इज नो रेलेवेंट कॉस्ट। अब इसके लिए एग्जाम्पल नंबर टू पर जाते हैं। ये तो हमारी एग्जाम्पल नंबर वन थी, ये तो हमारी एग्जाम्पल नंबर वन थी जो आप लोगों को समझ में आई होगी। एग्जाम्पल नंबर टू क्या है, सुनिएगा जरा गौर से। एग्जाम्पल नंबर टू ये है कि लेट से एक कस्टमर आया उस शॉपकीपर के पास आया और उससे बोला, भाई मेरे घर पर इलेक्ट्रिक का काम है, मेरे घर घर पर प्लम्बर का काम है, और एक्स वाई जेड उसने काम बताया। ठीक है, और उस कस्टमर ने बोला कि भाई मैं इस काम को करने के 400 रुपये दूंगा, इस काम को करने के मैं 400 रुपये दूंगा, मेरे घर पर इलेक्ट्रिक का एक बोर्ड लगाना है, मेरे घर पर इलेक्ट्रिक का एक डोर बेल लगानी है, मेरे घर पर इलेक्ट्रिक का एक बल्ब लगाना है, मैं आपको 400 रुपये दूंगा। ठीक है, अच्छा, जो शॉपकीपर है उसके पास एक इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल है, जो शॉपकीपर है उसके पास एक इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल है यानी कि एक लेबर है, लेकिन 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 शॉपकीपर इस इलेक्ट्रिशियन को डेली 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 500 रुपये पे करता है, डेली 500 रुपये पे करता है रिगार्डलेस ऑफ वर्क और नॉट। ठीक है, मैं वापस से अपनी बात को दोहराता हूँ। एक कस्टमर शॉपकीपर के पास आया, उसने बोला भाई मैं 400 रुपये दूंगा, मेरे घर पे लेट से एक डोर बेल लगानी है। ये जो शॉपकीपर है इसकी शॉप पर एक इलेक्ट्रिशियन है और शॉपकीपर इलेक्ट्रिशियन को 500 रुपये देता है दिन के, रिगार्डलेस ऑफ द वर्क और नॉट। यानी कि शॉपकीपर ने लेबर को क्या बोला है, मैं तुम्हें दिन के 500 रुपये दूंगा, काम हो काम ना हो तुम्हें 500 रुपये दूंगा, काम हो या काम ना हो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, रिगार्डलेस ऑफ द वर्क, काम होगा तो भी दूंगा, नहीं होगा तो भी दूंगा।
अब मुझे एक बात बताओ। अच्छा हम एज्यूम करें कि और कोई काम नहीं है, हम एज्यूम करें और कोई काम नहीं है इस दिन, इसे सिर्फ ये एक ही काम आया था। मुझे बताओ कस्टमर 400 रुपए दे रहा है, मुझे इलेक्ट्रिशियन को 500 रुपए देने पड़ेंगे, तो क्या मैं इलेक्ट्रिशियन को, अगर मैं शॉपकीपर हूं, क्या मैं इलेक्ट्रिशियन को इस स्पेसिफिक टास्क पर भेजू, हाँ या नहीं, और इसकी लॉजिक भी मुझे दो। शाबाश, भेजू। अच्छा यार अगर भेजूंगा तो मुझे 100 का नुकसान नहीं होगा? हाँ 500 रुपये देने पड़ेंगे, 400 रुपये आ रहे हैं, 100 का नुकसान होगा तो फिर भी तुम बोल रहे हो भेजेंगे। हम आप तुम क्या बोलते हो, भेजे ना भेजे, भेजे या ना भेजे। देखो मेरे हिसाब से तो अगर हम भेजेंगे तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का नुकसान है, भेजें क्यों, बट अगर हाँ अगर हम नहीं भेजेंगे, अगर हम नहीं भेजेंगे तो नुकसान 500 का होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो अगर हम नहीं भेजेंगे ना, अगर हम नहीं भेजेंगे तो काम तो कुछ है ही नहीं, काम तो कुछ है ही नहीं, काम तो कुछ है ही नहीं, और वो 500 रुपये तो लेगा ही लेगा, 500 रुपये तो लेगा ही लेगा, 500 रुपये तो लेगा ही लेगा। तो भाई अगर तुम नहीं भेजोगे ना, अगर तुम नहीं भेजोगे तो तुम्हारा नुकसान जहां 100 का हो रहा है वहां पे 500 का होगा, ठीक है? तो बिल्कुल हमारा डिसीशन ये होगा कि अगर कस्टमर 400 रुपये भी दे रहा है तो हम उसको भेज दें, क्योंकि अगर वो 400 रुपये देता है लेबर को तो मुझे 500 देने ही दे रहे थे, तो मुझे 100 का नुकसान होगा। और अगर मैं नहीं भेजता तो कस्टमर से पैसे नहीं आएंगे, कस्टमर से पैसे नहीं आएंगे लेकिन 500 रुपये देने ही दे रहे होंगे, तो 500 रुपये का नुकसान होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई थी, इफ द लेबर फोर्स विल बी पेड, इफ द लेबर फोर्स विल बी पेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीशन मेड, तुम्हारा कोई भी फैसला हो तुम्हें अगर लेबर फोर्स को पेमेंट करनी ही करनी होगी, देयर इज नो रेलेवेंट कॉस्ट, तो कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में हमारा डिसीशन यस होगा, हमारा लॉस 100 पर जाएगा, अगर हम नहीं बेचते तो हमारा लॉस 500 पर जा रहा होता। इस चीज को आप समझें। अच्छा सर ये इस यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है, देर इज नो रेलिवेंट कॉस्ट? देखिए जब हम कोई डिसीशन लेते हैं तो हम सारे रेलिवेंट रेवेन्यूज और रेलिवेंट कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। हमारा कस्टमर के पास इस लेबर को भेजने का रेलेवेंट रेवेन्यू 400 है, लेकिन कस्टमर के पास लेबर भेजने की रेलेवेंट कॉस्ट, कस्टमर के पास लेबर को भेजने की रेलेवेंट कॉस्ट 0 है। क्यों 0 है? डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती थी, रेलेवेंट कॉस्ट इज द एडिशनल कैश एक्सपेंडिचर दैट विल अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीशन। रेलिवेंट कॉस्ट इज द एडिशनल कैश एक्सपेंडिचर दैट विल अराइज एज अ रिजल्ट एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीशन। यहां पर आपके पास कोई एडिशनल लेबर कॉस्ट तो नहीं है ना? अगर आप नहीं बेचते तो भी 500 रुपये देने थे, बेचते तो भी 500 रुपये देने थे, तो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट लेबर की इस डिसीशन में 0 है, और क्योंकि आपके रेलिवेंट रेवेन्यूज रेलिवेंट कॉस्ट से ज्यादा है तो आपका डिसीशन यस होना चाहिए, ठीक है जी? तो ये दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए, दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए। अच्छा तीसरा, इफ द लेबर कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट एंड लेबर विल बी हायर्ड फ्रॉम अ मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इज इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ये बड़ा आसान है। बोलते हैं कि अगर आपके पास लेबर नहीं है, आप लेबर मार्केट से अपॉइंट करोगे और लेबर को आप एक वेरिएबल कॉस्ट पे करोगे, तो जितनी लेबर को वेरिएबल कॉस्ट पे करोगे वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। मिसाल के तौर पर लेट से एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं, यही शॉपकीपर है जिसके पास प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस अवेलेबल होते हैं। एक कस्टमर आया और उस कस्टमर ने जो है ना जनाब ये बोला कि भाई मेरे घर पर जो है वो 4 घंटे का काम है और 1 घंटे के जो है ना वो मैं आपको 200 रुपये दूंगा। तो इसका मतलब कस्टमर से कितने पैसे आने, मुझे 4 × 200 यानी के 800 रुपये। अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम है, चलो इलेक्ट्रिशियन का काम है यानी कि एक लेबर की कॉस्ट है, और मुझे पता है कि मैंने लेबर इस तरह से अपॉइंट किया हुआ है कि काम आएगा तो पैसे मिलेंगे और पर आवर पैसे मिलेंगे, यानी कि वेरिएबल है।
मैंने लेबर को ये बोला था कि देखो अगर काम आएगा ना तो 1 घंटे के मैं तुम्हें 150 रुपए दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि डायरेक्टली मुझे लेबर को कितने देने होंगे, मुझे डायरेक्टली लेबर को जो देने होंगे, लेबर को मुझे देने होंगे वो 4 × 150 देने होंगे, 600 देने होंगे, और मुझे जो है वो 200 रुपए बच जाएंगे, 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहां पर मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बड़ी सिंपल होगी, वो 600 रुपए होगी, यानी कि मैं 800 का या सेल्स रेवेन्यू का कंपैरिजन 600 से करूंगा और मैं अपना फैसला ले लूंगा कि भाई 200 रुपए का मुनाफा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर लेबर को पैसे तब देने हैं जब कोई काम आता है और एक वेरिएबल कॉस्ट है, वही भी है कि मैं पर आवर XYZ रुपीज आपको दे रहा हूंगा। क्लियर है, बात समझ में आई? सही है। अच्छा फिर अगला है, इफ द लेबर इज अ फिक्स कॉस्ट एंड देयर इज स्पेयर कैपेसिटी देयर इज नो रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा देखिए बुलेट नंबर, ये जो आपके पास सेकेंड लास्ट बुलेट है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 2 वाला ही है, एग्जाम्पल नंबर 2 वाला ही है। इफ द लेबर इज अ फिक्स कॉस्ट, अगर लेबर एक फिक्स कॉस्ट पर है, फिक्स कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि मैंने लेबर को एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला था मैं दिन के तुम्हें 500 रुपए दूंगा ही दूंगा, तो शॉपकीपर के लिए वो फिक्स कॉस्ट हो गई ना, रिगार्डलेस कि 1 घंटे का काम हो, 2 घंटे का काम ना हो। एंड देयर इज स्पेयर कैपेसिटी, और मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में एज्यूम किया था कि कोई और काम नहीं है, अगर लेबर को मैंने इस काम पे नहीं भेजा तो वो बैठा रहेगा और मुझे 500 देने पड़ेंगे, अगर 20 दूंगा तो 400 रुपए कस्टमर से मिल जाएंगे और 500 देने पड़ेंगे। इफ द लेबर इज अ लिमिटेड सप्लाई द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर शुड सॉरी इफ द लेबर इज अ इफ द लेबर इज अ फिक्स कॉस्ट एंड देयर इज स्पेयर कैपेसिटी देयर इज नो रेलेवेंट कॉस्ट, वही वाला कॉन्सेप्ट के इस केस में हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई भी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं थी। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? कोई मसला? अच्छा आखिरी चीज थोड़ी सी स्लाइटली स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 4 बनाते हैं। क्या बोलते हैं, इफ द लेबर इज इन लिमिटेड सप्लाई, इफ द लेबर इज इन लिमिटेड सप्लाई, कभी कभार ऐसा होता है कि जो लेबर की सप्लाई होती है ना वो बड़ी लिमिटेड होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि लेबर की जो सप्लाई होती है ना वो लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड सप्लाई का केस कैसा होता है, लिमिटेड सप्लाई का कैसे केस ऐसा होता है कि लेट से लेबर के आवर्स जो अवेलेबल है ना मेरे पास वही 8 आवर्स हो, 8 आवर्स का मतलब ये है कि लेबर 8 घंटे दिन में काम कर सकता है। ठीक है, द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर शुड इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग लेबर टाइम फॉर द पर्पस अंडर कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट इन इट्स नेक्स्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल वे। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगेन एक शॉपकीपर है, उसके पास कोई इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर है, कोई लेबर है, लेबर जो है वो लिमिटेड सप्लाई में है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो फारिग बैठा हुआ हो, बात समझ रहे हो, जब सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसका मतलब ये होता है कि लेबर फुल्ली ऑक्यूपाइड है, स्पेयर नहीं है, स्पेयर होता तो अनलिमिटेड सप्लाई होती ना, जितना चाहिए इस्तेमाल करो, लिमिटेड है, लिमिटेड है, लेबर दिन में 8 घंटे काम करता है। ठीक है, अच्छा लेट से लेबर जो है ना वो टास्क ए पर काम कर रहा है, टास्क ए पर काम कर रहा है, टास्क ए कोई कस्टमर है जिसके पास वो काम कर रहा है, टास्क ए कोई कस्टमर है जिसके पास वो काम कर रहा है, कस्टमर जो है वो 4 8 घंटे के कस्टमर जो है वो 8 घंटे के 200 रुपए के हिसाब से पे करता है हमें। ठीक है, 8 घंटे के 200 रुपए के हिसाब से पे करता है वो। अच्छा लेबर को हम कितना पे कर देते हैं, लेट से लेबर को हम 8 घंटे के 150 रुपए के हिसाब से पे करते हैं, सही है, और 8 × 150। ठीक है, ये आप अभी करंट प्रॉफिट कमा रहे हो, करंट प्रॉफिट कमा रहे हो, करंट सिनेरियो, करंट सिनेरियो, करंट सिनेरियो, करंट सिनेरियो, ठीक है ना, और साथ में लिखा हुआ है लेबर कैन बी डाइवर्टेड, या चलो ये नहीं लिखते, बस इतना ही लिख देते हैं, करंट सिनेरियो ये है, करंट सिनेरियो क्या है कि आपका लेबर फुली ऑक्यूपाइड है, दिन में 8 घंटे काम करता है, अभी वो एक कस्टमर के लिए काम कर रहा है, जिधर 8 घंटे उसने काम करना है, 200 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए मिलेंगे, लेबर जो है वो 8 घंटे के 150 रुपए के मेरे मुझसे लेगा और 700 रुपए मुझे बच जाएंगे, और वो 8 आवर्स फुल्ली ऑक्यूपाइड है, दिन में 8 घंटे काम कर सकता था, 8 के 8 घंटे काम कर रहा है। अच्छा ये कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, इसको कंट्रीब्यूशन कह देते हैं क्योंकि ऊपर हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी है सेल्स रेवेन्यू में से, है ना,
तो अभी अभी लेबर कितनी कंट्रीब्यूशन पर आवर जनरेट कर रहा है, मुझे ये भी बता दो। कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना कमा कर दे रहा है मुझे? देखो 400 रुपये 8 घंटे में कमा कर दे रहा है ना, उसका अगर हम खर्चा निकाल दें, कस्टमर से मुझे 1600 रुपये आए, 1200 रुपये लेबर को दिए, 400 रुपये मुझे बच गए 8 घंटे में, तो एज ऑफ नाउ मुझे वो कितना कमा कर दे रहा है? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी? अगर नहीं आ रही हो तो बता दिया करो यार, रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो जाती है। क्लियर है वॉइस या नहीं? हम आप कह रहे हैं क्लियर नहीं है वॉइस, आ रही है क्लियर? सही है, चलो हम आप फिर हो सकता है आपके पास हो सकते हैं कोई मसला हो, ठीक है। अच्छा अब जरा गौर से सुनना। अब भाई इसी वक्त जैसे ही मेरे पास टास्क आई थी ना, मेरे पास टास्क बी भी आ गई, मेरे पास टास्क बी भी आ गई, एक न्यू कस्टमर आया, एक न्यू कस्टमर आया, नया कस्टमर आया, नया कस्टमर आया। उस कस्टमर ने मुझे बोला तुम टास्क ए पर इसको नहीं भेजो, तुम टास्क ए पर इसको नहीं भेजो, मेरे पास भेज दो 8 घंटे के लिए, मैं इसको 300 रुपये पर आवर दूंगा। मेरे पास भेज दो 8 घंटे के लिए, मैं इसको 300 रुपये पर आवर दूंगा। अब मुझे बताओ मेरा क्या फैसला होना चाहिए? यहां पर अगर मैं लेबर भेजूंगा तो 2400 रुपये मिलेंगे, लेबर मुझसे 8 x 150 लेगा, लेबर मुझसे 8 x 150 लेगा, लेबर जब 8 x 150 मुझसे लेगा तो वो तो लेगा 1200 रुपये ही, लेकिन मुझे अब 1200 रुपये बच जाएंगे, तो मुझे दूसरी जगह भेजना चाहिए ना, मुझे इस दूसरी जगह भेजना चाहिए ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि करंटली एक कस्टमर आया था हमारे पास, उसने बोला 8 घंटे का काम है, 200 रुपये के हिसाब से पैसे दूंगा, मुझे पता है लेबर को 8 घंटे के 150 रुपये के हिसाब से मुझे पे करने होंगे, मुझे 400 रुपये बच जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर उसको भेज रहा था, एक और कस्टमर आया, उसने बोला तुम मेरे पास भेज दो, तुम्हारा लेबर क्योंकि लिमिटेड सप्लाई में है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तुम्हें दोनों में से एक जगह का फैसला करना है, तो मेरे काम पर भेज दो, मैं तुम्हें 8 घंटे के 300 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये दूंगा, तो यहां पर तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। तो ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स में क्या करूंगा? ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स में सेकेंड ऑप्शन पे जाऊंगा ना। अच्छा अब एक तरीका तो ये होता है, ऑप्शन नंबर वन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लो। एक तरीका तो ये होता है कि ऑप्शन नंबर वन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लो, ऑप्शन नंबर टू का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, और आप दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स या कंट्रीब्यूशंस को कंपेयर कर लो। ये तो सिंपल सा तरीका है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूरा बना हुआ हो, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूरा बना हुआ हो, और आप दोनों के प्रॉफिट्स को कंपेरिजन कर लो, और आप ये बोलो कि आपके पास जो दूसरा डिसीशन है उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट स्लैश कंट्रीब्यूशन इफ लेबर सेंट टू टास्क बी कितना, 1200 यहां से कमा रहा हूं, वहां से 400 कमा सकता था, 800 ज्यादा, इस बेसिस पर मैं लेबर को दूसरी जगह भेज रहा हूं और पहली जगह नहीं भेज रहा हूं। अच्छा अब आपके सवालात में क्या होगा, आपके सवालात में जो है ना कुछ इस तरह से होगा कि सवाल ये लिखा हुआ कि एक टास्क बी है, एक नया कस्टमर है, ठीक है, आपको सवाल ये कहेगा कि जो टोटल आवर्स कस्टमर को चाहिए वो 8 है, जो सेलिंग प्राइस है वो 300 पर आवर है, जो लेबर कॉस्ट है वो 150 पर आवर है, फिर सवाल ये बोलेगा लेबर इज फुल्ली ऑक्यूपाइड एंड इफ डाइवर्टेड टू टास्क बी, लेबर विल नॉट बी एबल टू जनरेट कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ 50 ड्यू टू डाई वर्जन। समझ में आ रही है बात? लेकिन आपको अगर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स दिए हुए तो मसला ही नहीं है ना भाई, इसको देखा इसको देखा, जाहिर है दूसरा फैसला किया क्योंकि वहां पर 800 रुपए की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लेकिन आपके पास सवाल इस तरह का डिटेल्ड नहीं आएगा कि जिसमें दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बने हुए हो, आपके पास बड़ी छोटी सी चीज लिखी हुई होगी, आपके पास ये मामूली सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी कि आपके पास एक काम आया है वो 8 घंटे का है, उस काम के अगेंस्ट आपको 300 रुपये पर घंटा पर आवर पैसे मिलेंगे, लेबर को आपको 150 रुपये पर घंटा देने होते हैं, और फिर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा लेबर इज फुली ऑक्यूपाइड, यानी कि लिमिटेड सप्लाई में है, फुली ऑक्यूपाइड है,
एंड इफ डायवर्टेड टू टास्क बी, और अगर आपने लेबर को इस टास्क पर, इस काम पर लगाया, लेबर विल नॉट बी एबल टू जनरेट कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ 50 ड्यू टू डाइवर्जन। तो लेबर 50 रुपए पर आवर जो कहीं और कमा सकता था, कमा रहा था, वो नहीं कमा पाएगा। बात समझ में आई? तो अब आप अपना डिसीजन कैसे लोगे? आप रेलेवेंट रेवेन्यू लिखोगे? रेलेवेंट रेवेन्यू तो कोई मसला नहीं है 8 घंटे के 300 रुपए के हिसाब से। जब आप रेलेवेंट कॉस्ट लिखोगे ना, जब आप रेलेवेंट कॉस्ट लिखोगे, तो क्या 8 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हम ये कहेंगे कि जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो ये है कि 8 घंटे के लिए लेबर को 150 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी है, और लेबर अभी जो 50 रुपए फी घंटा कमा कर दे रहा था, वो भी तो कमा कर नहीं दे पाएगा। यानी कि रेलेवेंट कॉस्ट में दो कंपोनेंट्स होंगे, 150 तो लेबर का खर्चा और 50 रुपए किस बात के? 50 रुपए इस बात के एक्स्ट्रा के जो वो यहाँ पर कमा सकता था, वो नहीं कमा कर दे सकेगा। और आप अपने पास लिखोगे कि भाई हाँ, इधर हम भेज दें क्योंकि 2400 मिल रहे हैं और रेलेवेंट कॉस्ट 1600, यानी कि 800 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, अब वापस से जरा इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो इसने लिखा था, इफ द लेबर इज एन लिमिटेड सप्लाई, द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर शुड इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग लेबर टाइम फॉर द पर्पस अंडर कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट इन इट्स नेक्स्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल वे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है ना, यानी कि जो यहां पर लेबर कमा के दे सकता था, वो एक तो नहीं कमा कर दे सकेगा, और 150 रुपये खुद लेता है वो भी। तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट में ये वैल्यू भी शामिल करनी पड़ेगी। आपके पास इस तरह से कुछ कहानी आ रही होगी। अब बताएं जी, आप लोगों के कोई सवाल हैं? इन सारे केसेस में कोई सवाल है? सही है। तो आज हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर को डिस्कस किया। हर क्लास में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। आप लोग इसी वीडियो को एक दो बार देखेंगे, कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास सफिशियंट नॉलेज होगी, 10-15 बातों की नॉलेज होगी, डेफिनेशंस आपके दिमाग में होंगी, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट होगी, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ओवरहेड्स के लिहाज से चीजें होंगी, और आपके दिमाग में जब ये सारी चीजें जो है वो एक साथ इकट्ठा आ जाएंगी, फिर हम कोई अच्छा पास पेपर का सवाल कर सकेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इन बिट्स एंड पीसेस में चीजों को